बच्चों, इट्स राधा मैम हियर। वेलकम इन द क्लास ऑफ साइकोलॉजी। आज हम कंटिन्यू करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हमें दो डेविएटेड ग्रुप मिले थे। एक ग्रुप वो था जिसमें इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी थी और दूसरा ग्रुप वो था जिसमें इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो, वैसे तो बहुत तरह के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर इंटेलिजेंस टेस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक इंडिविजुअल टेस्ट है, दूसरा ग्रुप टेस्ट है। और अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स यूज्ड, तो इसको डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप में। एक ग्रुप है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल और तीसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट। एक इसमें और भी डिवीजन किया गया है कि जो टेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं वो कल्चर फेयर टेस्ट है या कल्चर बायस टेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? देखो, इंडिविजुअल टेस्ट वो टेस्ट होता है जो एक टाइम में एक पर्सन पर ही एडमिनिस्टर किया जाता है। ये टेस्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इस टेस्ट में जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने सब्जेक्ट को या तो एक क्वेश्चनेयर देता है फिल करने के लिए या उससे डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछता है। इंडिविजुअल टेस्ट में रैपो फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रैपो फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि जो सब्जेक्ट है वो कंफर्टेबल फील कर सके, वो अपने थेरेपिस्ट पर बिलीव कर सके कि जो थेरेपिस्ट है वो उसके फेवर में है। क्लियर? और इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि उसे अपने क्लाइंट के मूड्स, उसकी फीलिंग्स और उसके एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग टेस्ट को एडमिनिस्टर करना पड़ता है। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे हम इसमें? इंडिविजुअल टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। इन इंडिविजुअल टेस्ट देयर इज रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश रैपो विद द सब्जेक्ट एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी सेंसिटिव टू हिज मूड्स, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। समझ में आया? नेक्स्ट इज ग्रुप टेस्ट। देखो, ग्रुप टेस्ट क्या होता है? यूजुअली ग्रुप टेस्ट रिटन फॉर्म में होता है। इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंट है वो एक नहीं होता, यहाँ बहुत सारे लोगों पर टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे होते हैं और एक साथ उन सभी का टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ रेपो फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रेपो फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट? क्योंकि जो क्लाइंट है, जो सब्जेक्ट्स है, वो बहुत सारे हैं। हर किसी के मूड, हर किसी के फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग टेस्ट को एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? ग्रुप टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली एंड दिस टेस्ट डू नॉट अलाउ टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस। क्लियर? अब आता है हमारा वर्बल टेस्ट। देखो, वर्बल टेस्ट में क्या होता है? यहाँ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये टेस्ट सिर्फ लिटरेट पीपल पर ही एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि इलिटरेट लोग लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते हैं, वो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए ये टेस्ट स्ट्रिक्टली लिटरेट पीपल के लिए ही होता है। यहाँ मेन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज ओरल भी हो सकती है और लैंग्वेज रिटन भी हो सकती है। देखो, वर्बल टेस्ट रिस्पॉन्सेज आइदर ओरल और रिटन, इट इज एडमिनिस्टर्ड टू लिटरेट पीपल ओनली। अगला आता है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है? देखो, जिसमें नॉन वर्बल मीन्स लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो टेस्ट लिया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ इलस्ट्रेशंस या फिर कोई पिक्चर दिखाई जाती है। जो सब्जेक्ट होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, या तो कोई इलस्ट्रेशन दिखाता है या फिर उनको कोई पिक्चर दिखाता है, इसके बेस पर उनके इंटेलिजेंस को जज किया जाता है। ये टेस्ट दोनों ही पीपल पर अप्लाई किया जा सकता है, लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट। देखो, नॉन वर्बल टेस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रे
स्टीवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि आपको एक पैटर्न दिया जाता है, उस पैटर्न में से एक पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। नीचे आपको 5-6 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि जो ऑप्शन इस डिजाइन को पूरा करने में बेस्ट फिट हो वो आप चूज करो। तो आप साइमल्टेनियसली दोनों चीजें देखते हैं, आप पैटर्न भी देखते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये पैटर्न फिल करने के लिए ये वाला ऑप्शन फिट है तो आप उसको चूज करके उसको वहां सेट कर देते हैं। तो ये टेस्ट दोनों पर सुटेबल होता है, लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट। क्लियर। अब आते हैं हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, कोई मटेरियल दे दिया जाता है टू मैनिपुलेट इट। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, उसको चेंज करना होता है, आपको उसको सेट करके लगाना होता है। इसमें आपको फिक्स टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे वुडन ब्लॉक्स दे दिए आपको, वुडन ब्लॉक्स दे दिए और एक पैटर्न दे दिया, आपको उन वुडन ब्लॉक्स को उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ये एग्जाम्पल है कोहोस ब्लॉक डिजाइन का, जिसमें आपको वुडन ब्लॉक्स दिए जाते हैं और उन वुडन ब्लॉक्स को आप क्या करते हैं, जो डिजाइन आपको दिया गया है उस डिजाइन के अकॉर्डिंग उन वुडन ब्लॉक्स को आप अरेंज करते हैं विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो लिमिटेड पीरियड आपको दिया है उस पीरियड में आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, यू हैव टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द टास्क एंड रिटन लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पर किसी रिटन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। अब आता है कल्चरल फियर एंड कल्चरल बायस टेस्ट। देखो कल्चरल फियर टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट जो हर कल्चर पर सूट हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाए वो हर कल्चर पर सूट हो, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो वर्बल टेस्ट होते हैं वो तो बिल्कुल ही फिट नहीं होते हैं। जैसे सपोज एक टेस्ट डेवलप किया गया है, टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा रहा है अमेरिकन पीपल पर और सेम टेस्ट इंडियन पीपल पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है, यहाँ सबसे बड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब भी कल्चरल टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मेन रीजन डिफरेंस का ये होता है कि हर कल्चर के नॉर्म्स अलग होते हैं। देखो कल्चरल फेयर टेस्ट में यूजुअली नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट बायसनेस को डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत कोशिश की कि ऐसा टेस्ट एडमिनिस्टर करे जो हर कल्चर में सूट हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि हर कल्चर के नॉर्म्स अलग होते हैं। जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो हर कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट होता है, तो वहाँ बायसनेस आ जाती है। जब भी टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है, वहाँ के एनवायरमेंट को, और फिर नॉर्म्स डेवलप किए जाते हैं। सबसे ज्यादा वर्बल टेस्ट में कल्चरल बायसनेस आती है। देखो कल्चरल बायस में क्या आता है, टेस्ट डेवलप्ड इन अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट सुटेबल फॉर एशिया एंड अफ्रीका ड्यू टू डिफरेंट नॉर्म्स एंड डिफरेंट कल्चरल एनवायरमेंट। क्लियर। तो वर्बल टेस्ट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। तो ये सारा था आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माय वीडियो। प्लीज राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।